गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए हम लोग जो सो इसमें टॉपिक है रेयान के बारे में पढ़ते हैं। रेयान में कैसे कैसे कपड़े तैयार किए जाते हैं इसके बारे में जानते हैं। 19वीं शताब्दी के देखिए बच्चों क्या लिखे हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने पहले जो क्या चीज की खोज हुआ था, तो पहले जो प्राकृतिक रेशा के द्वारा क्या करते थे, वस्त्र को बनाए जाते थे। उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से जो मानव निर्मित रेशे हैं जैसे रेयान हो गया, नायलॉन हो गया, इसके द्वारा क्या किया जाने लगा, कपड़े को तैयार किया जाने लगा। वही लिखे देखिए 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुण वाली रेशे बनाने में सफलता पाई। ये जो है सो क्या है, ये जो है सो मानव द्वारा निर्मित रेशा है, इसलिए जो है सो रेयान को जो है सो कृत्रिम रेशा कहा जाता है। और जो है सो इसका खोज जो है सो सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, सबसे पहले 1946 में, 1946 में कहाँ पे, केरल में। 1946 में क्या हुआ, केरल में इसका जो है सो जो वस्त्र इससे तैयार किए जाने लगे नायलॉन से, इसका जो है सो 1946 में कहाँ पे, केरल में जो है सो इसका उद्योग में क्या किया गया, इसका प्रयोग किया गया। और जो है सो आशा करते हैं कि ये चीज आप लोगों को आया होगा समझ में। उसके बाद से जानते हैं नायलॉन के बारे में। नाइलॉन क्या है, एक कृत्रिम रेशा है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं कि जो है सो बड़े बड़े रस्सा होते हैं जो पैराशूट हो गए, पर्वतरोही हो गए, ये सब को चढ़ने के लिए जो मोटे मोटे रस्से होते हैं उसमें क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें और जानते हैं
1931 ईस्वी में जल लिखा है। देखिए नाइलन एक मानव निर्मित रेशा है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। इसे 1931 में कोयले तथा जल एवं वायु से निर्मित किया गया एवं मजबूत होता है। देखिए ये जो है सो कोयले जल वायु से निर्मित किया जाता है, कौन नायलॉन को बनाने के लिए। ठीक है, इसमें जो होते हैं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक केमिकल द्वारा क्या किया जाता है, इसको रासायनिक केमिकल डाल के तैयार किए जाते हैं और उसमें जो पत्ते जो उसमें फार्मे होते हैं उसमें डाला जाता है। तब क्या होते हैं उससे जो है बड़े बड़े मोटे मोटे रस्से होते हैं, उससे क्या किए जाते हैं उससे तैयार किए जाते हैं। और जो है सो इसका प्रयोग जो है सो नाइलॉन जैसे दांत का जो ब्रश बनता है, ये सब कैसे बनता है, वो नायलॉन से क्या किया जाता है, उसको रासायनिक केमिकल द्वारा मिला कर उसको फार्मा में डाला जाता है, क्या बनता है उससे जो रेशे निकलते हैं, उससे दांत का ब्रश जो होते हैं मुंह धोते हैं उससे क्या बनता है, ये सब ब्रश बनते हैं उसके बाद से कार के सीट भी बनते हैं, इससे थैले बनते हैं इससे, और जो सो और जो सो इससे बैग वगैरह ये सब भी बनते हैं। तो ये सब जान गए हम लोग रेयान के बारे में, नायलॉन के बारे में। ठीक है, आशा करते हैं कि ये चीज आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझ में आया होगा। और इसमें जो होता है जो पहला सूत्र होते हैं और जो होते हैं जो पर्वतरोही या पैराशूट जो होते हैं उसमें क्या होता है मतलब मजबूत रेशे की आवश्यकता पड़ता है, इसलिए उसमें भी क्या किया जाता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है और प्रयोग करके बनाया जाता है। आशा करते हैं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा और इसके बाद और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों इसमें जो है सो पढ़ना है पॉलिएस्टर के बारे में और जो है सो एक्रिलिक के बारे में पढ़ना है।
ये लिखे हैं यह एक संश्लेषित या एक क्या है संश्लेषित रेशा होता है। संश्लेषित रेशा का मतलब कृत्रिम रेशा, ये कृत्रिम रेशा की जैसा ही होता है। इसका इसका उपयोग जो बोतल होते हैं उसको बनाने में किया जाता है। बर्तन के उत्पादन के जो निर्माण होता है, जो बर्तन बनाने का जो निर्माण किया जाता है उसमें जो जो रासायनिक विधि द्वारा उसको क्या किया जाता है, गला कर उसको तैयार किया जाता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह क्या होता है, ये नाइलन के समान ही होता है। जिस प्रकार बताया कि नाइलन को रासायनिक विधि द्वारा किस तरह उसको गला करके उसमें और तो उसको बनाया जाता है, उसी प्रकार ये भी क्या होता है, उसी के समान होता है। और उसके बाद है क्या है, एक्रिलिक। एक्रिलिक यह क्या है, यह भी क्या होता है, यह भी एक संश्लेषित रेशा होता है। ये प्राकृतिक जो रेशे होते हैं, प्राकृतिक रेशे, उससे क्या होता है, यह सस्ता होता है। ठीक है, तो वही लिखे हैं ये प्राकृतिक रेशा से सस्ती होती है, लेकिन अधिक क्या होता है, अधिक टिकाऊ यानी अधिक मजबूत होता है। इसका उपयोग स्वेटर जो होता है, ठंडी के समय में जो स्वेटर पहनते हैं इसका उपयोग बनाने में उसको किया जाता है। और लिखे हैं साल कम्बल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे साल हो गया या कम्बल बनाने में इसका प्रयोग करके क्या किया जाता है, उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये चीज आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझ में आया होगा, और नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें आप लोगों को अब क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तब तक के लिए